एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कामनी मौर्य और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो कि है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो कि है वो कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपने एडमिशन के वक्त लेके जाने हैं। इफ इन केस अगर आप पे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है देन इट विल माइट क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू ऑल गाइज, ट्रस्ट मी। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए क्योंकि एडमिशन में वो सारी चीजें वेरीफाई करते हैं एंड इसी का प्रोसीजर आज मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी के साथ मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहूंगी। सो विदाउट डिलेइंग लेट अस स्टार्ट। आज मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है आपके लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एज यू कैन सी। तो क्योंकि मैं कोई भी चीज स्किप ना कर पाऊं आपके साथ शेयर करना और आप भी वो डॉक्यूमेंट ले जाना ना भूले, क्योंकि गलती से भी आप अगर ये डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो बाद में इससे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। सो लेट अस डिस्कस। आज मैंने उन 10 डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि सच में आपको बहुत ज्यादा पछतावा हो सकता है इफ इन केस आपके पास नहीं है। तो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हमारा पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ अटेस्टेड, मिनिमम 3 फोटोज आपको चाहिए। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए, कम से कम मिनिमम 3 तो लेके ही जाइएगा, बट आप कम से कम 10 फोटो लेके जाइएगा क्योंकि मिसप्लेस हो जाती है समटाइम्स या फिर खो जाती है, कुछ भी हो जाता है। सो आपको क्या करना है, फोटोज लेके जानी है अपनी पासपोर्ट साइज। उसके बाद सेकेंड है हमारा क्लास 10th मार्कशीट। क्लास 10th मार्कशीट जो होती है वो आपकी एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है, तो वो भी आपको ले जाना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 10th का एज अ बर्थ प्रूफ आपका वहां पे लगता है, वेरीफाई होता है, तो आपको ये भी लेके जाना है। देन उसके बाद है हमारा क्लास 12th मार्कशीट। गाइस, क्लास 12th की मार्कशीट वो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको स्किप नहीं करना है, ये पक्का लेके जाना है आपको। इफ इन केस अगर वो मार्कशीट अवेलेबल नहीं हुई है आपके स्कूल्स में तो आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन आपका रिजल्ट आया है 12th क्लास का उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है एंड देन उसकी एक फोटोकॉपी निकलवानी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपको उन सबकी फोटोकॉपीज लेके जानी है, कम से कम 2-2 फोटोकॉपीज सबकी ले जाइएगा एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज द फोटोकॉपीज। आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपीज भी लेके जाना है। ठीक है, तो आपका थर्ड हो गया क्लास 12th मार्कशीट। उसके बाद है आपका फोर्थ क्लास 12th प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि ओरिजिनल। गाइस, आप सबको पता होगा, इफ नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, जब आप 12th पास करते हैं तो आपको 2 सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 4 चीजें बेसिकली आपको मिलती हैं, एक 12th की मार्कशीट मिलती है आपको, सेकेंड आपको TC मिलती है, जो कि होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एंड थर्ड होता है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एंड फोर्थ होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 4 चीजें आपको कॉलेज स्कूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें लेके जानी है। तो हमने क्या बात की, प्रोविजनल सर्टिफिकेट की, जो कि हमारा फोर्थ डॉक्यूमेंट है। आपको प्रोविजनल डॉक्यूमेंट मिलेगा, थोड़ा येलो सा पेज होता है वो, उसमें आपके सब्जेक्ट्स के बारे में वगैरह वगैरह कुछ कुछ लिखा होता है। सो आपको क्या करना है, वो भी कैरी करके जाना है, ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी भी। वो आपको स्कूल प्रोवाइड कर देगा एंड आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि स्कूल वाले कब प्रोवाइड करवा रहे, तो आपको वो लेने जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगेन वही चीज, दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि वही स्कूल प्रोवाइड करेगा, तो आपको ये भी लेके जाना है। उसके बाद है 6th डॉक्यूमेंट। गाइस, नोट करते जाना कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ आपको, क्योंकि 10 डॉक्यूमेंट्स मैं टोटल आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज कोई भी डॉक्यूमेंट स्किप मत करना क्योंकि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम 6th बात करते हैं, SC ST PWD KM सर्टिफिकेट। ये सारे कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, लाइक आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, या फिर आप SC ST या फिर PWD मीन्स आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या फिर आपको कोई इश्यू है इससे रिलेटेड, या फिर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो इसका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस भी उससे आप बिलोंग करते हैं उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और फोटोकॉपीज तो सबकी होनी जरूरी ही है। सो अब 7th डॉक्यूमेंट हमारा है OBC सर्टिफिकेट, जो कि नॉन क्रीमी होना चाहिए। गाइस, अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, मीन्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो कि होता है अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसमें क्या होता है,
अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आपके पास नॉन क्रीमी होना चाहिए, ये भी रिन्यू होता रहता है, मीन्स आपको इसे रिन्यू करवाना होता है, बल्कि एससी एसटी में ऐसा नहीं है, वो हमेशा जो एक बार बनवा लिया है वही लाइफ टाइम चलेगा। बट ओबीसी नॉन क्रीमी और एक क्रीमी होता है, एक नॉन क्रीमी होता है, इसका डिफरेंस आप चेक कर लीजिएगा। बट मैं आपको बताती हूँ, नॉन क्रीमी की नीड होती है एंड आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपने नहीं बनवाया है ये सर्टिफिकेट कि हाँ आपका प्रूफ है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं एंड यू आर अंडर अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, आप इसके अंदर आते हैं, तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि ये सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, अगर बनवा रखा है तो इट्स ओके, एंड अगर नहीं बनवाया तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे कि आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको फॉर्म भरना भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 8th डॉक्यूमेंट की, जो कि है हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं टीसी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आपने सुना होगा काफी टाइम टीसी स्कूल से निकलवानी होती है हमें, तो यही आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है जो कि आपको स्कूल देगा, देन आपको सबमिट करना होगा कॉलेज में जब वो बोलेंगे कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, बिकॉज समटाइम्स ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो नहीं भी लेते हैं, कई कई कॉलेजेस नहीं लेते हैं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंडर आता है, तो आपको ये लेके जाना ही है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि मैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ बता रही हूँ। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है आपका इफ अगर आपने दिल्ली में, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं बट आप किसी और स्टेट से हैं, देन आप दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेने आए हैं, तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि आपके स्टेट का कॉलेज जहां आप पढ़े हैं वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो क्योंकि इससे क्या होता है, एज अ प्रूफ हो जाता है कि क्या कहते हैं, आप इस स्टेट से आए हैं, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना आगे एकेडमिक करियर देखने आए हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम 9th डॉक्यूमेंट, दैट इज क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका स्कूल प्रोवाइड करता है 10th क्लास का, या फिर आपको प्रोवाइड किया गया था क्लास 10th का सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट कि आपने एग्जाम्स दिए हैं, उसके एक सर्टिफिकेट मिलता है, क्लास 12th में भी मिलता है, एंड नहीं मिला है तो इट्स ओके, क्योंकि ये स्कूल पे डिपेंड करता है। क्योंकि इस बार जब मैंने 12th पास की थी, एज आई एम इन सेकेंड ईयर, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, सो क्या कहते हैं, मुझे तो ऐसा कोई एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला एंड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई है। बट आपको अगर मिला है 10th क्लास में अपना एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, तो वो भी आप कैरी करिएगा, ओरिजिनल एज वेल एज द फोटो कॉपीज ऑफ ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो भी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है, आपका साइन होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स पे, जो क्या शो करता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं एंड आपने वो सारी चीजें वेरीफाई करके आप उन्हें सबमिट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हमारा लास्ट सर्टिफिकेट है, सॉरी लास्ट डॉक्यूमेंट है इस लिस्ट का, जो कि है आइडेंटिटी प्रूफ्स। गाइज, आइडेंटिटी प्रूफ्स क्या होते हैं, आप जिसमें आपकी आइडेंटिटी शो हो, जिससे आप पता चले कि आप इस जगह के नागरिक हैं, या फिर आपकी ये आइडेंटिटी है अकॉर्डिंग टू लीगल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आप लीगल इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे आपकी एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी क्या हो सकते हैं आपको अच्छे से पता होगा, हमारा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है। इफ इन केस आप 18 ईयर से नीचे हैं तो आपका वोटर आईडी कार्ड ऑब्वियसली नहीं होगा, देन इट्स ओके। तो आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड पक्का कैरी करना है, एंड इफ ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, सब कुछ कैरी करिएगा, बट एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना बहुत जरूरी है। सो आई होप कि आपको पता चला होगा कि इस वीडियो में कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी वजह से अगर आप पे नहीं है उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आगे चल के इश्यू क्रिएट हो सकता है मे बी, क्योंकि वहां पे क्या होता है कॉलेज में, जब आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट होते हैं तो वो एक एक करके वेरीफाई करते हैं थ्रू नेट, वो अपने लैपटॉप पे या फिर जो भी सर्वर वहां पे काम कर रहा होता है वहां पे वो चेक करते हैं कि ये सच में वेरीफाई है, मतलब इसको सच में वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, लोग फेक बनवा लेते हैं, देन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सो आपको क्या करना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एंड साथ में वेरीफाइड होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई फेक या फिर इलीगल तरीके से बनाया गया डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। बट थिंग इज दैट कि वो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत अरेंजमेंट से बनवानी पड़ती हैं सारी चीजें, तो आपको क्या कहते हैं ओरिजिनल कैरी करना है, एज वेल एज द फोटो कॉपीज ऑफ ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट एज आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है 2020 में, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए, वरना लास्ट में हो सकता है मे बी वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लें, उसके बाद आपको इश्यू बहुत बड़ा क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग, मे बी इट इज एडमिशन प्रोसीजर या फिर कुछ भी है, आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टा आईडी का नाम है कामनी मौर्या, जो कि सिंपल है, आपको याद भी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।